मुंगेली के संभव पंचायत में सरपंच की जानकारी के बगैर रोजगार सहायक और सचिव ने लाखों की राशि की बंदरवाट की खबर सामने आई है। इसके लिखित शिकायत के बाद कलेक्टर ने जांच करवाने की मांग की है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर महज औपचारिकता निभाई गई है। रोजगार सहायक यशवंत कोशले और गांव के सचिव युधिष्ठिर वैष्णव ने नियम कानून को दरकिनार करते हुए मौजूदा सरपंच विमला होरीलाल की जानकारी के बगैर ही लाखों रुपए की हेराफेरी कर दी। तो वहीं रोजगार सहायक यशवंत कोशले ने फर्जी मस्ट्रोल पर हस्ताक्षर कर राशि निकाल ली। इधर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सागर सिंह ने कहा है कि ये एक गंभीर मामला है, इस पर वो कलेक्टर को अवगत कराकर कार्रवाई करने के लिए बात करेंगे। तो वहीं मुंगेली कलेक्टर का कहना है कि जांच के लिए जिला पंचायत सीईओ को कहा गया है, वो जांच रिपोर्ट सौंपेंगे, उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। देखिए ये सारी बात मुझे अभी आपके माध्यम से पता चल रही है। अगर इस तरह की ये तो बहुत मैं कहता हूँ गंभीर बात है, अगर इस तरह की कोई बात हुई होगी तो मैं तो बिल्कुल इसमें तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आया भी हूँ, आज कलेक्ट्रेट आया हूँ। ये प्रकरण सीओ जिला पंचायत को मैंने जांच करने भेजा हुआ है, गया है, और उनका वो सेक्शन के ऑफिसर है, वो जांच करके मुझे प्रस्तुत करेंगे, उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे।